दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता, तुम्हारे चाहने से क्या होता है। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, आप जिम में जा रहे हैं, शरीर की ताकत बढ़ रही है, आप मंदिर में जा रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप चाय की दुकान पे 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे आप मूवी देख रहे हैं, ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं और समय बदला लेगा। जब भी समय, जैसे आप में से सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी आर्थिक रूप से इस समाज में स्थित नहीं है, उन्हें सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। जितने लोग की तैयारियां चल रही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअली दुनिया में, मैं इस पर बड़ी चर्चा कर चुका हूं, मन के विषय पर बड़ी चर्चा कर चुका हूं, मन, हमने तो मन को देखा, पश्चिम ने पढ़ा, उनके पास एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, हमने मन को देखा, हमने मन को जीता, भारत, उन्होंने मन को पढ़ा, और मन की एक बड़ी अच्छी संरचना है, वो कभी भी बदल जाता है, इसलिए साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एक जनरल नियम निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो हर आदमी पर सटीक ही बैठे। मन, अब किडनी का अपना काम है, लीवर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, पैनक्रियास का अपना फंक्शन है, इन सबका अपना फंक्शन है, तो मन का क्या फंक्शन है? मन का भी तो कोई फंक्शन होगा। तो मन का फंक्शन है सोचना। इस दोनों ग्रुप की सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये करने वाली चीजों को सोचता है, प्रेम करना है उस पर सोचना नहीं है, ये सोचता है, ये सोचने वाली चीजों को सोचते हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्रेम करते हैं। तुम भी अपने मन को चेक करो, कहीं ये गलती तुम भी तो नहीं कर रहे? अपनी इसी गलतियों को चेक करने को ध्यान कहते हैं। आज हमारे बड़े सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों को डरा कर अपने काम करा लेंगे, बिल्कुल करा लेंगे, आप बच्चों को धमका कर अपने काम करा लेंगे, एकदम करा लेंगे, लेकिन सर वो मन यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना कमजोर हो जाएगा। आज युवाओं की अवस्था देखो, आज युवाओं का जीवन देखो, जब इस चरण में जहां निर्माण है, निर्माण, आदर्श इन्फेंट पीरियड, आदर्श चाइल्डहुड, बालकाल, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पर मां यशोदा तो एक आदर्श मां है, और इस न्यू पर इस महान व्यक्ति का निर्माण हुआ। लेकिन एक किताब, शुरू से मेरी ये आदत रही, मैं जब से पढ़ाई शुरू किया मैंने, तब से मेरी आदत रही, मैं हमेशा ऐसी किताब को ढूंढता था जो सरल भाषा में हो, जैसे एंशिएंट इंडिया, मैंने उसकी एक हिंदी मीडियम की किताब पढ़ी, झा श्रीमाली। हमारे यहाँ भारत में आमतौर पर जो किताबें बहुत क्लिष्ट होती, क्लिष्ट, उनको लोग अच्छा मानते, किताबें बुरी होती ही नहीं। और समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। ये भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई, इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि 3 जगह जाया करो, कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्योहार मनाना हो तो बार भी चले जाओ, पर त्योहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है, बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए। शराब बुरी नहीं है, बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग।
जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले। कभी तुम एसी फर्स्ट क्लास में सफर करो ट्रेन की, और फिर तुम जनरल डिब्बे में सफर करो ट्रेन के, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यह गरीब क्यों है और यह अमीर क्यों है। तुम एसी फर्स्ट क्लास में अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं, अपवाद दोनों जगह हो सकते हैं। यहां तुम सफर करोगे एक कंपार्टमेंट में चार आदमी, कोई मिंट पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, और शायद ही कोई एक दूसरे से बात करें, शायद बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया, बस बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह एक दूसरे को मुस्कुरा दिया, और बहुत ज्यादा हुआ तो गुड मॉर्निंग बोल दिया, बाकी कोई किसी से बात नहीं करेगा। यहां सरस सलील पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, 70 की सीटिंग में 700 लोग बैठे हुए हैं, चार पांच हाथ में एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गुटखा खा के बगल वाली की जेब में थूक दिए, और यहां गाड़ी चलने के पहले बात होती है और चलते चलते सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं, वो जाति कोई भी वो रिलेशन बना ही लेते हैं। अच्छा भैया आप सीमान, भैया हम बगल में देवरिया के हैं, भैया हम गोरखपुर के हैं, भैया हम गोंडा के, भैया बहराइच के हैं, भैया हमारे एक मित्र हैं, मित्र तो कहना उचित नहीं है, हमारे साथ पढ़े हैं वो, तो सबसे पहली सरकारी नौकरी उन्हीं की लगी थी बैंक में, उनकी नौकरी लगी सबसे पहले, तो यूएन का समझौता था कि जिसकी भी सरकारी नौकरी लगेगी या नौकरी लगेगी वो सारा खर्चा जो एसेसरीज का खर्चा है वो वहन करेगा। पता नहीं कहीं हो सकता है बैठकर वो भी सुन रहे हो, या उन्हें कोई ना कोई भेज ही देगा। तुम दिल्ली में थे एक बार, उन्होंने क्या किया, एक फिल्म की दो मूवी लिया है, दो एक मूवी की दो टिकट लिया है, किसी और को बुलाया था उन्होंने, जिसको बुलाया था वो आया नहीं, जिसको बुलाया था वो आया नहीं, तो वो किसी को ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए यार, तो एक टिकट बर्बाद नहीं होगा और एहसान अलग से चल जाएगा कि तुमको पिक्चर दिखाए, तो सौभाग्य से हम उनको मिल गए। तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध भाई, हमने कहा हाँ, कहे मूवी देखने चलोगे, हम कहे चलो, कौन सी मूवी है, कहे अरे वो मल्लिका शेरावत जी की एक मूवी आई थी, वो भी बड़ी अच्छी अदाकारा है मल्लिका शेरावत जी, तो उनकी मूवी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि अवध चलो हिस्स देखा जाए। अच्छा उन्हें क्या क्या थीम है मूवी की, अरे भले अवध थीम छोड़ो, मल्लिका शेरावत ने 17 किसिंग सीन दिए। अरे मैंने कहा भिगमंगे, हमने कहा तुम तो भिगमंगे रह गए जीवन भर, तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे, कहावत औकात महफूस में रह के बात करना, मैंने भाग एडवांस, तुम सोचो किसिंग सीन टीवी पे चल रही है और तुम देख रहे हो और तुम करो मजा आ रहा है, तुम पागल हो। एक्चुअली इस दुनिया में सबको मजा चाहिए, सब मजे के पीछे परेशान है सब, लेकिन मजा का एक सिद्धांत है, इस दुनिया में सबको मजा चाहिए लेकिन मजा जो है वो बाई प्रोडक्ट है, किसका, मेहनत का, और बेहोशी वाली मेहनत नहीं, मजदूरों वाली, जागृत होश में की गई मेहनत, और तुम मेहनत नहीं करोगे नेचर करा लेगा, उसकी तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हें चिंता ही छोड़ दो, कुछ चीजों की चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, चाहने से तो अपनी सांस तो तुम रोक ही नहीं सकते, कायदे से खाने के बाद प्रेशर बन जाए तो तुम रोक ही नहीं सकते, अपनी शरीर पर तुम्हारा अपना नियंत्रण ही नहीं है। पहला चीज तो ये, आपको मन को समझना है कि मन क्या है, मन एक विचार करने का शरीर में यंत्र है जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि है कहां, मन का फंक्शन है सोचना, अब तुम अगर ये सोचना सोचोगे उससे तो आप मिसयूज कर रहे हो उसको, तो आप उसको मिसयूज कर रहे हो, कि ध्यान वो विधा है भारत की, वो ताकत है भारत की, ध्यान मतलब क्या, अपने विचारों को देखना, और जगर विचार घटिया है तो तुम राजा कैसे बनोगे मित्र। जैसे मेरे बड़े सारे मित्र आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी 10 तारीख को पेपर था, साल भर अच्छी पढ़ाई की है, दो दिन पहले लगे नाचने, हमारा नहीं होगा, हाँ तो जब तुम कह रहे हो तो नहीं होगा, महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व का गेम है, नौकरी पढ़ाई का गेम है, पढ़ लोगे तो नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व का गेम है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी।